नमस्कार, आइए अब देखते हैं अगले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार और किस तरह के बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर। तो आज जैसे हमने देखा कि एक फ्लैटिश क्लोज हमको मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में, क्योंकि लास्ट के अगर चार ट्रेडिंग सेशन से हम देखें तो मार्केट में एक तरह से एक दबाव बना हुआ है कि ऊपर में एक सर्टन लेवल पे आके दोनों इंडेक्स वहाँ पे रुक जाते हैं और डाउन साइड ऑल्सो एक रिस्ट्रिक्टेड उनका एक मूवमेंट लग रहा है। तो निफ्टी की जहाँ तक बात है तो आज 10,300 के आसपास का हमने क्लोज देखा है। तो लास्ट के चार ट्रेडिंग सेशन का अगर इसका रेंज हम देखें तो निफ्टी में ऑन द डाउन साइड एक 10,200 के आसपास का एक बॉटम बनता है और ऊपर में 10,400-410 इस लेवल तक ये जाता है। तो ये एक दायरा, उसका सीमित दायरा बना हुआ है निफ्टी का, जिसके बाहर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक कोई डिसाइसिव डायरेक्शनल ट्रेड उसमें मिल पाना मुश्किल है। तो टिल द टाइम वी स्पेंड सम टाइम इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज, तो हमको उस ट्रेडिंग रेंज को ही प्ले करना होगा। तो जैसे ही हायर एंड पे निफ्टी आता है 10,400 के आसपास, तो वहाँ पे एक सेल का एक अटेम्प्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 पॉइंट ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में 10,200 के जितना करीब अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे एक बाइंग का देखना चाहिए, जिसका आपका ऊपर में टारगेट होगा अराउंड 10,380-400। तो ये मैं सारे स्पॉट के लेवल्स बोल रहा हूँ। तो इस तरह का एक उसका एक रेंज हमको प्ले करना पड़ेगा और जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं एक्सपेक्टेड है, और लगता है कि कल का सेशन भी हो सकता है एक दायरे में ही हम कारोबार करें, और थर्सडे को वीकली एक्सपायरी के समय हो सकता है थोड़ा सा कुछ एक मार्केट में हलचल देखने को मिले। बट एज ऑफ नाउ ये एक ट्रेडिंग रेंज इंडेक्स का बना हुआ है जिसको हमको प्ले करना पड़ेगा। ऑप्शन के जो खास करके ट्रेडर्स है उनको अगर सीमित दायरे में कारोबार करना हो, रेंज बाउंड सेशन जो हम देख रहे हैं तो उसमें अगर काम करना हो तो एक ऊपर में 10,450 10,500 के कॉल्स बेचे जा सकते हैं, और ऑन द लोअर साइड निफ्टी के 10,150-10,200 के पुट भी सेल किए जा सकते हैं। तो ये एक दायरा लग रहा है जो ऑप्शन सेल करके हम इसमें कामकाज कर सकते हैं, और ब्रॉडली अगर इस तरह का कोई राइटिंग हम करते हैं तो हमारा एक स्टॉप लॉस जो होगा तो निफ्टी स्पॉट का एक फॉर कॉल राइटर्स एक 10,460 के आसपास का होगा, और ऑन द लोअर साइड अगर पुट राइट करते हैं 10,150-200 के तो 10,100 एक ब्रॉडली स्पॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के लिए अगर पुट राइट करते हैं उनके लिए। तो ये एक ब्रॉडली रेंज है जिसको निफ्टी को ट्रेड करना है, और देखते हैं किस तरह से अगला अभी क्यूज मिलते हैं, लेकिन ये ब्रॉडली लेवल्स लग रहे हैं निफ्टी के जिसको हम प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो आज हमने देखा है कि 21,370 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोज है, इसका भी एक फ्लैटिश काइंड ऑफ क्लोज हमको देखने को मिला है, और टेक्निकल्स की जहाँ तक बात है तो इसका भी एक रेंज बना हुआ है 21,000 ऑन द लोअर साइड और 21,700 ऑन द हायर साइड। तो ब्रॉडली ये एक रेंज है जिसको हमको प्ले करना पड़ेगा, जब 21,000 के जितना नज़दीक बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ पे हमको बाय का देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा एक मिलने की उम्मीद होगी, और वहाँ से आपका ऑन द डाउन साइड एक स्टॉप लॉस होगा अराउंड एक 300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड बनेगा आपका 20,700-750 के आसपास का, और ऑन द हाई साइड आपका जो टारगेट बनेगा वो करीब 21,650-21,700 तक का बनेगा। ऊपर में अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए पहले अगर 21,700 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 300 पॉइंट ऑन द हायर साइड, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 21,000-21,100 तक का रहेगा ऑन द डाउन साइड। तो इस तरह का एक रेंज बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सेशंस पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्लियरली डिफाइन करता है कि किस प्रकार का एक रेंज बन गया है इंडेक्स का। तो जैसा मैंने बताया कि उस तरह से अगर लेवल्स को अप्रोच किया जाए तो इस रेंज को प्ले अप किया जा सकता है, और जो स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी में देखी है पुट और कॉल राइटिंग की वही बैंक निफ्टी में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ऑन द हायर साइड 21,700 के आसपास आता है तो एक कॉल राइटिंग का देखा जा सकता है विद 300 पॉइंट स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड फॉर द इंडेक्स फॉर कॉल राइटर्स, और ऑन द लोअर साइड अगर 21,000 के जितना नज़दीक मिलता है तो वहाँ पे पुट राइट किए जा सकते हैं 20,000
900 के, 21,000 के, और एक 20,750 का एक स्टॉप लॉस उसमें कंसिडर होगा फॉर पुट राइटर्स। तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है जिसको हमको प्ले करना है। ऊपर से जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हमको मिल रहे हैं, वहाँ भी बहुत हैवी फ्लक्चुएशन एवरी डे देखने को मिला है, क्योंकि एक दिन हमको डाउ जोन्स में 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, वही दूसरे दिन इमिजिएटली 500 पॉइंट का एक शार्प पुल बैक भी उसमें देखने को मिला है। तो इस तरह के एक ग्लोबल, एक ओवरऑल वोलाटाइल माहौल बना हुआ है इक्विटीज के लिए। तो ये जब तक थोड़ा सा सेटल नहीं होता, तब तक हमको जो दायरा हमको ट्रेडिंग के लिए ऑफर हो रहा है दोनों इंडेक्स की तरफ से, तो उसी में हमको एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी होगी। तो ब्रॉडली ये कुछ लेवल्स है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमको लगते हैं अगले 1 से 2 सेशन के लिए।